इसी चैप्टर में हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कोई भी नंबर्स लाइन है इस पर हमको कोई भी रेशनल नंबर क्या करना है, जिसे यहाँ पे जीरो होता है, माइनस वन, माइनस टू, वन, टू, थ्री, तो हमको थ्री को जो है रिप्रेजेंट करना है या टू को, कोई भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो टू को रिप्रेजेंट करना है तो जीरो के जस्ट, टू ये क्या है, पॉजिटिव नंबर्स है, तो जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव, जीरो के लेफ्ट साइड में निगेटिव। ये तो हो गया सिंपल नंबर्स, लेकिन हम रेशनल नंबर्स देख रहे हैं, थ्री अपॉन क्यू के रूप में भी है, ये भी है, टू अपॉन वन, ये तो सिंपल नंबर होंगे तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाए, जटिल नंबर आ जाए, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे थोड़ा देखेंगे। सिंपल सब कोई कर लेंगे, लेकिन जटिल एक एग्जांपल हम लेते हैं यहां पे। एग्जांपल रिप्रेजेंट, एग्जांपल फर्स्ट ले लेते हैं, लेते हैं टू अपॉन फाइव। टू अपॉन फाइव को हम क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहां पे, नंबर्स लाइन पे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जानेंगे किस किस नंबर्स के बीच टू अपॉन फाइव आता है। तो इसको जानने के लिए हम फाइव से टू में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद देखते हैं किसके किसके बीच में आता है। यहाँ पर रफ देखेंगे, रफ में फाइव से टू में डिवाइड कर रहे हैं, नहीं आपको डिवाइड होगा, डेसिमल लेते हैं जीरो आएगा, और फाइव फोर जा 20, ये जीरो हो जाएगा, कैंसिल भी लिख सकते हैं, जीरो भी लिख सकते हैं। हमारा क्या आया, इसको लिख देते हैं फाइव, टू अपॉन फाइव को हम लिख सकते हैं 0.4। अब देखिए जीरो से बड़ा है बट वन से क्या है, छोटा है, यानी किस कौन सा दो नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं, किसके किसके बीच में आएंगे टू अपॉन फाइव, तो वो दो नंबर्स हैं जीरो एंड वन। तो हम यहां पे लिखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, जीरो, क्या जीरो एंड वन। अब देखेंगे वन जो है लेफ्ट साइड में रखेंगे जीरो के कि राइट साइड में लिखेंगे। तो सबसे पहली बात, नेक्स्ट फिर से आप क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है, प्लस, क्योंकि कोई भी साइन ना हो तो हमेशा प्लस छुपा हुआ रहता है, तो क्या है प्लस, प्लस इट मीन्स जीरो के राइट साइड में वन लिखेंगे। तो थोड़ा बड़ा लाइन करेंगे और वन लिख देंगे, यहाँ पे क्या आया वन, यानी ये जो नंबर्स होंगे टू अपॉन फाइव जीरो और वन के बीच कहीं ना कहीं होंगे। तो कैसे इसको पता लगाएंगे, तो इसके बाद ये दो प्रोसेस करेंगे, पहला प्रोसेस की डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद देखेंगे किसके किसके बीच है, ये पहला स्टेप। नेक्स्ट स्टेप जाएंगे नंबर्स पर, वहां पे देखेंगे प्लस का साइन है या माइनस का, प्लस का होगा तो जीरो के राइट साइड में लिखेंगे वो नंबर्स, और माइनस में होगा तो जीरो के लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, जीरो के राइट साइड में लिख रहे हैं, तो चलिए जीरो के राइट साइड में क्या है वन, यानी टू अपॉन वन ये जीरो और वन के बिटवीन में लाई करेगा। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में डिनोमिनेटर देखेंगे, डिनोमिनेटर कितना है फाइव, इसको फाइव टाइम्स में जो है डिवाइड करेंगे इक्वल इक्वल पार्ट्स। सपोज माल आपके पास स्केल हो, कॉपी है, तो इसको देखेंगे फाइव इक्वल टाइम्स में जो है कितना है, फिफ्टीन, आइए फिफ्टीन, चलिए हमको कितना भागों में डिवाइड करना है, फाइव भागों में, चलिए वन टू, वन टू थ्री फोर फाइव, कितने भागों में डिवाइड हो गए फाइव। अब देखिए अब जीरो के जस्ट ये कितने डिवाइड हुआ है फाइव भागों में, यानी आप पांच भागों में इसको डिवाइड कर दिए। अब इसको लिखेंगे कैसे, चलिए जीरो को लिख सकते हैं जीरो अपॉन फाइव, बोले थे आपको डिनोमिनेटर सेम रहे तो जस्ट न्यूमरेटर में वन ऐड ऐड करके आगे तक जाते हैं, तो फाइव जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो अपॉन फाइव, जीरो
देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे फाइव है, फिर से नेक्स्ट आगे जाएंगे वन अपॉन फाइव, नेक्स्ट वन टू अपॉन फाइव, नेक्स्ट ये आ जाएगा आपको थ्री अपॉन फाइव, ये आ जाएगा फोर अपॉन फाइव, ये आ जाएगा फाइव अपॉन फाइव। फाइव अपॉन फाइव को सिंपलेस्ट फॉर्म क्या लिख सकते हैं? वन। जीरो अपॉन फाइव का सिंपलेस्ट फॉर्म जीरो ही होगा, या क्योंकि जीरो में फाइव से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही होता है, और एक कैंसिल हो जाए फाइव अपॉन जा फाइव यानी वन अपॉन वन यानी वन, इसलिए ये हो गया। तो हम फाइव अपॉन फाइव नहीं लिखते हैं, जीरो अपॉन फाइव नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे जीरो के बाद वन अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन फाइव, फोर अपॉन फाइव। अब यहाँ पे वैल्यू हमारा प्लस में है तो प्लस की तरफ ही आ रहा है, इसीलिए मेरा टू अपॉन फाइव क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया आंसर। अब आपको एक चीज सिखाते हैं निगेटिव का, किस चीज का? निगेटिव। सपोज इसी को एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, माइनस टू अपॉन फाइव, चलिए डिवाइड करेंगे फाइव से टू में, रफ फिर से करते हैं, रफ करेंगे तो देखिए ये डिवाइड करने में माइनस प्लस नहीं देखेंगे, पहले इसको सिंपल डिवाइड करेंगे। फाइव से टू में डिवाइड किए हैं, कहाँ आया है 0.4, किसके किसके बिटवीन में लाई करेगा, जीरो से, देखिए 0.4 यानी जीरो से बड़ा है लेकिन वन से क्या है, छोटा है, तो किसके किसके बिटवीन में होगा, जीरो और वन के बीच। तो सबसे पहले आप फिक्स जीरो कीजिए, जीरो हम सपोज यहां पे ले लेते हैं, ठीक है जीरो ले लिए। अब देखेंगे किसके किस में, जीरो और वन के बीच, जीरो और वन के बीच लिख लेते हैं दोनों तरफ, इधर माइनस होता है और इधर प्लस होता है। अब क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे माइनस में दिया है कि प्लस में दिया है, तो माइनस दिया है तो जीरो के लेफ्ट साइड वाला लेंगे माइनस, यानी माइनस वन ये होगा, ये हमारा नहीं होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा हम करते हैं, क्या करते हैं बड़ा, चलिए अब हम कितना डिनोमिनेटर दिया है फाइव, फाइव भागों में इसको डिवाइड कीजिए, चलिए वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसको लिखेंगे ये आपको हो गया क्या माइनस वन, तो कभी भी काउंटिंग हम इधर से करते हैं, चलिए यहां पे क्या होगा वन बाई फाइव माइनस माइनस वन बाई माइनस टू बाई फाइव माइनस थ्री बाई फाइव माइनस फोर बाई फाइव माइनस फाइव बाई फाइव, इसको लिख सकते जीरो बाय फाइव, ठीक है। तो जीरो बाय फाइव पे नहीं लिखते हैं, इसको भी नहीं लिखते हैं, इसके बिटवीन में जो लाई करता है उसी को लिखेंगे। तो माइनस टू अपॉन फाइव को हमको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, यही मेरा माइनस लिख देंगे एरो दे करके, माइनस टू अपॉन फाइव रिप्रेजेंटेड, ठीक है। अब हम लोग जो है चलते हैं रेशनल नंबर्स हो गए, अब आते हैं कि रेशनल नंबर्स को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप होमवर्क में, होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन फाइव अपॉन सेवन, सेकेंड थ्री अपॉन एट, माइनस टू अपॉन सेवन, फाइव अपॉन टू, माइनस फाइव अपॉन टू, ये आपको होमवर्क में है करके आएंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखें और आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट्स है रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। पहली बार इसके पहले पॉइंट्स में था कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना था नंबर लाइन पर, लेकिन अब आपको इरेशनल नंबर जो है नंबर लाइन पर इंडिकेट करना, रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें जो है अभी तक क्वेश्चन रूट थ्री पूछता, रूट टू पूछा है कि रिप्रेजेंट कीजिए रूट थ्री एंड रूट फाइव। ये थ्री जो क्वेश्चन हैं ये मैं आपको बताऊंगा थ्री का थ्री, और इसको आप प्रैक्टिस कर जाएंगे और इसी बेसिस पर रूट सिक्स भी निकलेगा, रूट सेवन भी निकलेगा, ठीक है, रूट टेन भी निकलेगा, बहुत सारे निकल लेंगे, लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं अधिकांशतः रूट थ्री रूट टू एंड रूट फाइव। क्वेश्चन देखेंगे कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल्स देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन का मोटिवेट रहता है।
रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। देखिए रेशनल नंबर का रिप्रेजेंट करने का कुछ अलग तरीका था और इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंट करने का कुछ अलग तरीका है, ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो सबसे बड़ी बात है इसमें जो है प्रोटेक्टर, डिवाइडर एंड कंपास इटीसी का यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे रूट टू को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको जानने से पहले हम लोग कुछ नोट्स पढ़ते हैं। इधर क्या नोट्स पढ़ते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। पाइथागोरस थ्योरम आप शुरू से ही पढ़े हुए हैं और आप जानते भी होंगे, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को इंडिकेट करते हैं एच से, यानी एच का स्क्वायर, पी फोर परपेंडिकुलर यानी पी का स्क्वायर, बी फोर बेस यानी बेस का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को इधर राइट साइड में भेजते हैं, अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला को आपको रिमेम्बर रखना है, बहुत अति आवश्यक है इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप हम लोग देखेंगे, इसको आप रिमेम्बर कर लेंगे कि एच इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको बेस और इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। जिस पर 90 डिग्री बनाएगा वह परपेंडिकुलर होगा, या 90 डिग्री यहां पर क्यों ना बनाए, ये भी क्या हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और ये आपका हो जाएगा बेस। तो इस तरह के हम लोग यहाँ पे स्टेप सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमको रूट टू को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं ये जानेंगे। रूट टू को हम लिख सकते हैं 1+1। इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा परपेंडिकुलर 1 ही लेंगे। वो कहे ना यहाँ पे 3 दिया हो, 5 दिया हो, 7 दिया हो, 6 दिया हो, कभी भी परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इरेशनल नंबर में 1 ही लेते हैं। परपेंडिकुलर क्या लेते हैं? 1। बाकी जितने भी बच रहेंगे रेस्ट में वो आपको बेस हो जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, ये सपोज एच है तो हम क्या जानते हैं, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर। हम परपेंडिकुलर पहले 1 ले लेंगे, 1 ले लिए तो बचा कितना 1, 1 को बेस में दे देंगे तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो लिख सकते हैं बी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो इसको लिख देंगे, यानी मेरा पी इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 1। अगर हम कंपेयर करें इससे तो पी के जगह पर भी 1 स्क्वायर है, स्क्वायर पी के जगह पर 1, इसको कंपेयर करते हैं तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, अब बी के जगह पर 1, यानी पी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1। ये तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला, तो एच के जगह पर मेरा क्या आ जाएगा, रूट टू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेस जो होता है, बेस आपको बताई है कि बेस यहाँ पे होता है और परपेंडिकुलर इस पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाए वो परपेंडिकुलर होता है। तो सबसे बड़ी बात, कितना यूनिट्स है जी, कितना यूनिट है, 1 यूनिट परपेंडिकुलर और 1 यूनिट बेस। तो कभी भी परपेंडिकुलर तभी बनेगा जब उसका बेस होगा। मान लेते हैं कि आपका कोई घर है, परपेंडिकुलर कब जाएगा, जब आपका बेस होगा तभी ना जाएगा जी परपेंडिकुलर।
उसी तरह से बेस होगा तभी ये परपेंडिकुलर जाएगा। तो बेस कितना है मेरा वन, तो वन लिख लेंगे। सपोज इसको हम बेस क्या मान लिए वन, यहां पे जीरो ले लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ वन यूनिट्स, क्या हुआ बाबू वन यूनिट्स, ठीक है। अब हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो भी कितना यूनिट्स का होना चाहिए वन, तो वन जितना यूनिट्स का ये है उतना ही यूनिट्स का यहां पर भी हम लेंगे, और इसको नीचे करते हैं, वन यूनिट्स है, कितना यूनिट्स वन यूनिट्स, जीरो और यहां पे कोई एक नाम ले लीजिए ए या बी सी कुछ भी। अब जो है हम ए पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इतना ही जितना यूनिट्स का ये है तो इतना है, तो यहां पे इतना कर लेते हैं, चलिए इसके इक्वल तो है ही, आप लोग प्रोटेक्टर का यूज करेंगे, स्केल का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर भी वन यूनिट्स, यहां पर भी वन यूनिट, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनस फिक्स है कि बनेगा यहां पे, ये हाइपोटेनस कितना है रूट टू। सपोज इसको हम क्या मान लेते हैं नेम बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जितना मेरा हाइपोटेनस आया है, क्या आया है हाइपोटेनस, यानी इस ट्रेंगल का हाइपोटेनस जितना आया है उतना ही जो है हम क्या करेंगे डिवाइडर का यूज करेंगे, डिवाइडर इसको बोलते हैं, इसको स्केल बोलते हैं, इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं और इसको डिवाइडर बोलते हैं। तो क्या करेंगे इस डिवाइडर से जो है इस को मेजर करेंगे, किसको, जो हमारा हाइपोटेनस है, देखिए यहां तक मेजर कर लिए, ठीक है। इसका जो आपको लेंथ है, जो ट्रेंगल बना है, इस हाइपोटेनस का जो लेंथ है वही लेंथ बेस तक ले जाएंगे, यानी यहां तक आया, कहां तक आया इस यहां तक, यानी बेस को आप इंक्रीज कर लीजिए। चलिए बेस को हम क्या कर लेते हैं इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज किए हैं और जितना इसका लेंथ है उतना ही लेंथ हम इसका भी लेंगे यहां पर, ठीक है। तो चलिए यहां पर मेरा लेंथ आया, तो वही जो हाइपोटेनस का लेंथ होता है वो बेस पर जैसे ही लेंथ ले जाएंगे और जहां पे कट करेगा वही मेरा टू रिप्रेजेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट। और आपके पास प्रोटेक्टर होगा, उस प्रोटेक्टर को जो है ओरिजिन से लेकर, यानी वो से लेकर ये बी तक इसको लेकर के और इस तरह से क्या कर देंगे ड्रॉ करेंगे, यहां पे रख करके कॉर्नर को और ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम भी कर देते हैं इस तरह से, इसी तरह से ना आएगा, यहां आ गया, ये मेरा हो गया रिप्रेजेंट कितना रूट टू, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का है रूट थ्री। तो सभी प्रोसेस वहीं रहेंगे, क्वेश्चन चेंज करते हैं, देखिए समय बचाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, आप लोग फिर से दोबारा जो है इसको लिखेंगे कॉपी में, नोट बनाएंगे। यहां पे हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं रूट थ्री। जब रूट थ्री हम लिखेंगे तो फिर से आपको प्रोसेस वही करना होगा, रूट थ्री तभी बनेगा जब आप रूट टू को रिप्रेजेंट कर लेंगे। सबसे पहले रूट थ्री बनाने से पहले रूट टू को रिप्रेजेंट करेंगे और इस रूट टू को बेस मानेंगे, क्या मानेंगे बेस, इस रूट टू को क्या मान लेंगे बेस, और इस पर जो है हम परपेंडिकुलर लेंगे, क्या करेंगे इस पर हम परपेंडिकुलर लेंगे। देखिए रूट टू को नंबर्स लाइन पर इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए रूट टू को पहले लिखेंगे मेथड के द्वारा, ठीक है, और उस रूट टू को रिप्रेजेंट करने के बाद हम क्या करेंगे रूट टू को अब बेस मान लेंगे और बेस पर जो है इसको वन यूनिट का जो है परपेंडिकुलर लिया ही जाता है। तो देखेंगे जब रूट टू हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, इसको हम इरेज करते हैं, रूट थ्री को रिप्रेजेंट
कैसे करेंगे? तो बोले ही हैं कि रूट थ्री को रिप्रेजेंट तभी कर सकते हैं जब आप रूट टू को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले रूट टू को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको जस्ट अभी पीछे पीछे ही हम लोग क्या किए हैं, समझे हैं। तो रूट टू को जो है डायरेक्ट हम कर लेते हैं रिप्रेजेंट, ये वन यूनिट्स, ये ओ, ये ए, और इसको जब सबमिट करेंगे मिलाएंगे तो हो जाएगा बी। अब हम इस पर रूट टू था ये हम कर लेंगे, ठीक है। सपोज यहां पे आपको रूट टू आ गया। अब हम क्या करेंगे रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रूट थ्री को आप किस तरह से लिखते थे? रूट थ्री को हम लिखेंगे क्या, अंडर रूट। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर होता है तो परपेंडिकुलर वन ले लेंगे, ठीक है। तो बचा कितना मेरा, टू। कितना बचा, टू। तो इसको हम पी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो रूट थ्री है और यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर आराम से लिख सकते हैं, और टू को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में चेंज कर रूट टू का स्क्वायर। जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो पी का वैल्यू वन और बी का वैल्यू रूट टू, इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले रूट टू का फॉर्म बनाना होगा और उस रूट टू को हम बेस मानेंगे और अब उस पर जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। और ये परपेंडिकुलर जो वन यूनिट हमारा आया, वन यूनिट, अब इससे जो है सबमिट कर देंगे, किससे ज्वाइन कर लेंगे, ओ से। कहां से, ओ से। तो सपोज यहां पे मेरा आ गया कोई एक पॉइंट सी। अब जो है इसका जो लेंथ है, इसका इसका जो लेंथ है, तो हमने रूट टू को रिप्रेजेंट किया, सबसे पहले रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट टू को रिप्रेजेंट करके रूट टू को बेस बनाएंगे। रूट टू को बेस बनाएंगे तो परपेंडिकुलर वन यूनिट लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब यहां से जो है सी से जो है कोई पॉइंट सी है, ये वन यूनिट हम लिए थे वन यूनिट, ये पॉइंट जो सी है इसको ओरिजिन से यानी वो से हम क्या करते ज्वाइन कर दिए। और यहां से जो है अब क्या करेंगे, डिवाइडर का यूज करके, डिवाइडर का क्या करके यूज करके यहां ओ से लेकर सी तक मेजर करेंगे और यहां से लेकर के यहां तक इसको मेजर करेंगे। तो यहां मेरा आ रहा है यहां पे, यहां पे, यहां पे, और फिर से इसी लेंथ को लेकर के इस तरह से डॉट 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 करते आएंगे, इस तरह से डॉट 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 करते आएंगे और यहां पे मीट कर देंगे। तो ये मेरा क्या आ गया, रूट थ्री, ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। यानी रूट थ्री को रिप्रेजेंट करने के लिए रूट टू का फॉर्म बनाना जरूरी है, क्योंकि जब इसको तोड़ेंगे हाइपोटेनस और पी स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपको बेस आएगा रूट टू। तो बेस आएगा रूट टू, तो बेस रूट कब आता था, आएगा जब हाइपोटेनस रूट टू होगा, तब ना इस पर हम बेस इसको बना के वन परपेंडिकुलर ले लेंगे। तो इस तरह से आपका रिप्रेजेंट हो गया किसका, रूट थ्री का। अब आते हैं रूट फाइव का, क्या आते हैं, रूट फाइव का। इसको इरेज करते हैं, अब रूट फाइव को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको एडजस्ट कीजिए उसी तरह से। एग्जाम्पल थ्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, रूट फाइव रिप्रेजेंट, रूट फाइव ऑन नंबर लाइन। अब इसका फॉर्म हम कैसे बनाएंगे, सेम हाइपोटेनस का जो हमने यहां पे नोट में पढ़ाया था अभी उसी का यूज करेंगे। तो रूट फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, रूट फाइव को लिख सकते हैं अंडर रूट, बोले थे कि परपेंडिकुलर, क्योंकि सबसे पहले यहां पे एक चीज और लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं जी, एच इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सपोज हम बोले थे कि हमेशा जो है रूट फाइव दिया है तो इसको हम एडजस्ट करेंगे, तो रूट है तो रूट लगा ही रहे हैं, फाइव को एडजस्ट करेंगे। तो फाइव को एडजस्ट करने के लिए
बोले थे कि परपेंडिकुलर हमेशा वन ही लेंगे, तो वन बचा कितना इसमें से, फोर, फोर लिख लेंगे। अब इसको जो है पी स्क्वायर बी स्क्वायर पर एडजस्ट करेंगे, तो वन का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मेरा बेस कितना हो जाएगा बाबू, कंपेयर करेंगे तो टू, परपेंडिकुलर वन तो हमेशा रहेगा। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। तो सबसे बड़ी बात है कोई एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं, उसके बाद बेस इस पर कितना बनाएंगे, टू यूनिट्स। कितना बाबू, टू यूनिट्स। हम यूनिट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं दिया है सेंटीमीटर या मीटर। यूनिट कर दिए तो वो कुछ भी ले सकता है, सेंटीमीटर कुछ भी, मतलब जो भी आपको मेजर करने का तरीका है उसको आप ले सकते हैं यूनिट्स के जगह पर। क्यों, क्योंकि यूनिट्स में बहुत सारे यूनिट्स आ जाएंगे। तो बेस, बेस हम ले लेते हैं जीरो यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे ए। सपोज ये कितना यूनिट्स है, टू यूनिट्स। कितना, टू यूनिट्स। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, स्केल से इस तरह से टू यूनिट्स लेंगे एग्जामों में, या आप प्रैक्टिस करेंगे तो स्केल से, नहीं कि आप भी पेन लिए इसी तरह से ड्रॉ कर, नहीं, आपको यूनिट्स देखना है, टू यूनिट्स करा, टू यूनिट्स लेंगे। लेकिन हमको बोर्ड पर है इसलिए बड़ा टू यूनिट्स ले रहे हैं। और परपेंडिकुलर कितना, वन यूनिट्स। तो ये टू यूनिट्स लिए हैं तो सपोज आधा वन यूनिट्स होगा, यानी यहां तक आपको लेना होगा वन यूनिट्स। ये हमारा हो गया वन यूनिट्स और ये टू यूनिट्स। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है ज्वाइन कर देते हैं वो से। यहां पे मेरा आ गया सी या बी, कुछ भी ले सकते हैं, बी ही लेते हैं। ये हो गया हमारा कितना, रूट फाइव, क्योंकि आप जानते हैं हाइपोटेनस मेरा कितना है, रूट फाइव। हाइपोटेनस रूट फाइव, यूनिट हमने वन कंपेयर करके लाइन लिया और बेस टू कंपेयर करके लाइन लिया। अब हम क्या करेंगे, फिर से बोले थे सेम प्रोसेस रूट थ्री रूट टू का, इसको डिवाइडर से हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, मेजर करने के बाद इसको जो है हम यहां तक लाएंगे, यहां आ रहा है कहां पे, यहां पे रूट फाइव आ रहा है। और डिवाइडर का यूज करके तो हमने मेजर कर लिया कि यहां पे रूट फाइव आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। किसका, प्रोटेक्टर का। और प्रोटेक्टर जो है जितना यूनिट्स, ये हाइपोटेनस है ट्रेंगल का, जितना लेंथ है उतना ही लेंथ से हम क्या करेंगे, इस तरह से डॉट 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 करके यहाँ पे लान के मिला लेंगे। क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। और यहाँ पे जब हम मिला लिए यहां से, तो ये मेरा कितना आ गया, रूट फाइव। तो इसी तरह से आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आया होगा। और इसी तरह से आपको होमवर्क देते हैं, सबसे पहले रूट टू रूट थ्री रूट फाइव को प्रैक्टिस करेंगे, उसके आफ्टर होमवर्क में फर्स्ट क्वेश्चन रिप्रेजेंट रूट सिक्स ऑन नंबर लाइन। नेक्स्ट रिप्रेजेंट रूट टेन ऑन नंबर लाइन, नंबर लाइन। ये आपको दो क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं, इसको बनाएंगे, नहीं समझ में आएगा प्रोसेस कमेंट में लिखेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को आपको बताया जाएगा। तो ये आप रिवीजन जरूर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये तो नहीं लेकिन रूट टू रूट थ्री रूट फाइव हमेशा कोई ना कोई पूछा ही जाता है हर साल।